हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कौन है जो आप पे नज़र बनाए हुए है, जो आपके लिए सोचता है, और उस इंसान की इंटेंस फीलिंग देखने की कोशिश करेंगे क्या है इस रिश्ते को लेके। ठीक है, ओके। एक कार्ड आया है, कौन है जो आपको सोचता है। देखिए, लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो ये कोई आपका या तो जिससे आप प्यार करते हैं या जिसको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वही इंसान है जो आपको याद करता है। और ये कार्ड भी लवर्स का आया है, तो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। एम्परर, ये कोई ऐसा इंसान है जो जो आपको लगता है कि इसमें ईगो है, ठीक है, जबकि इसमें ये वैसे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है इस इंसान की। सेवन ऑफ कप्स मतलब एक तरह से ये इंसान की लाइफ में बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये चाह के भी आपको अपनी फीलिंग जो है शो नहीं कर पा रहा, आपको शो नहीं कर पा रहा कि ये आपसे कितना प्यार करता है। ठीक है, मे बी हो सकता है इस इंसान ने कभी आपको कोई भी इस टाइप का कुछ ऐसा जेस्चर शो नहीं किया हो कि ये इंसान आपसे बेहद प्यार करता है, लेकिन ये आपसे प्यार करता है और वही है जो आपको स्टॉक कर रहा है। क्योंकि स्टॉक करने का कारण ये है, सबसे पहले तो ये इंसान आपको कम समझ, अपने आप को कम समझ रहा है। इसको पता है कि इसने रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, ये सोच सोच के ये इंसान थोड़ा परेशान भी है, कभी इमोशनल होता है लेके इन चीज़ों को, कभी इनसिक्योरिटी आती है इसके मन में, फिर आपको स्टॉक करता है कि कहीं आप जो है इसके इसकी ज़िंदगी से जो है निकल तो नहीं गए, या आपने किसी और को तो नहीं अपना जो है मतलब अपनी लाइफ में ले आए। तो ये इस तरह की भावनाएं इसके मन में आती रहती है। ये कोई अथॉरिटिव हो सकता है, और ज़्यादातर चांस है कि ये इंसान मैरिड हो। अगर मैरिड नहीं है तो इसके ऊपर जो इसके फादर फिगर हैं कोई घर में, उनका बहुत, जैसे होता है ना एक घर में उनकी मोनोपली कह लो, या उनका ही चलती मतलब उनकी ज़्यादा चलती है, तो ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। तो ये इंसान हो सकता है इस वजह से, उस डर के कारण भी ये आपसे एक दूरी बना के रखता है, मतलब चाह के भी नहीं मिलता है, या फिर जब मिलता है तो बड़ा मतलब आपको कई बार लगता है कि ये क्यों आपको ऐसे जो है शो करता है, या इस टाइप का जो रिश्ते की आपको इमेच्योरिटी लगती है। लेकिन ये जो है, ये इंसान जो है अपने आप को हाइड करता है, अपनी सिचुएशन से भागता है। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड बड़े बिखर रहे हैं और मून का कार्ड है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये इंसान आपसे चीज़ें छुपाता है। देखो, इस लड़की ने भी मुंह पे उंगली रखी हुई है, इसका मतलब कि चुप रहो, ना तुम कुछ बोलो और ना मेरे से कुछ पूछो, चुप रहो। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपको इस टाइम ये इंसान जो, इसको ये डर सा भी होता है ना, जो ये सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी में आता है, ठीक है, इसको यही डर है कि आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा आप पे नज़र भी रखता है, आपको स्टॉकिंग स्पाई भी करता है। और बताएं भगवान जी, मेरे व्यूअर्स को कौन जो है स्पाई करता है, और कौन हो सकता है, और भी कौन हो सकता है। देखिए, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी फैमिली में है, पहले आपके साथ इसके संबंध बहुत अच्छे थे, और धीरे धीरे कुछ टाइम बीन कह लो, कुछ टाइम के बाद कह लो कि कोई एक दूरी सी आ गई। ये ऐसा इंसान भी है जो आपको स्पाई कर सकता है। देखो, जब इतने लोग दिखते हैं तो अलग अलग सबका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने बता दिया कि ये आपका कोई नियर डियर भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भाई बंधु बहन बंधु भी हो सकता है जो आपको स्पाई करता है। क्योंकि एक टाइम में आपका उसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ वक्त में आपका कोई आपस में, जैसे हो सकता है ना कोई मनमुटाव हुआ है, या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाती है, जो एक पश्चाताप को भी दिखाती है, एक बहुत सी चीज़ों। देखो, सेवन ऑफ कप्स का मतलब है बहुत सी चीज़ें, जैसे एक इंसान जो है बहुत सी चीज़ें सोचता है,
ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, अगर ये आपका कोई लव पार्टनर है या आपका कोई भी लव वन है, मतलब जैसे आपका कोई भाई बंधु है, कोई भी है जो आपको स्टॉक करता है, इस इंसान को लगता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको, आपके ऊपर ध्यान देते हैं, आपके ऊपर तवज्जो देते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसकी जो वो इनसिक्योरिटी है ना, वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है कि आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, आप तो लुक वाइज अट्रैक्टिव हैं, या फिर आपका मतलब जैसे होता नहीं इंटरेक्ट करने की जो आपके अंदर स्टेमिना है दूसरों को, तो उस वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही था कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है, तो ये आपका या तो आपका कोई लव पार्टनर है क्योंकि लवर्स का कार्ड आया, या फिर ये कोई आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, भाई बंधु बहन बंधु भी हो सकता है जो आपको स्टॉक करता है, जिसके साथ आपके रिश्ते अभी जो हैं अच्छे नहीं हैं, मतलब कुछ मनमुटाव या कुछ हुआ है। और बताएं डिवाइन, जो ये मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहा है जो भी इंसान, इसका कोई हमें बताएं कि इसके मन में क्या है। ओके, मन में क्या है, फोर ऑफ कप्स। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये इस इंसान आपके, आप लोगों के बीच में ना जैसे कोई दूरी आई है किसी मन मुटाव की वजह से, तो ये इंसान काफ़ी फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में है। मतलब ना चाहते हुए भी ये इंसान चाहता है कि आपको ना चाहे ना सोचे, लेकिन फिर भी क्योंकि कभी ना कभी ये रिश्ता जो है बहुत अच्छा रहा है, बहुत प्यार भरा रहा है, तो ये इंसान जो है उस सोच में से निकल ही नहीं पाता, स्ट्रक सिचुएशन है इस इंसान की। फोर ऑफ कप्स आपने ट्रेडिशनल कार्ड देखा होगा, एक इंसान गुमसुम बैठा है, उसके सामने भी तीन कप पड़े हैं, चौथा कप उसको बादलों में से आ रहा है, उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये इंसान जो है अपने आप को कोशिश करता है कि ये आपको भूल के या आपको स्टॉक करना छोड़ के, आपके ऊपर ध्यान देना छोड़ के कहीं और जो है अपने मन को लगाए या अपने आप को कहीं डाइवर्ट करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये उसी चीज़ में ही, उसी या तो पश्चाताप या फिर उसी वियोग में बैठा है जैसे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड, जो फिर बताता है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ इस रिश्ते में, कुछ ऐसा अच्छा नहीं हुआ जो इसको, जैसा कि मैं पहले बता रही हूँ कि ये वही इंसान है जो आपको स्पाई करता है, जिसके जिस किसी टाइम आपके जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार भरे थे, और बीच में कुछ ऐसा हुआ तभी ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड आया है, जिससे ये इंसान ने आपके साथ फेयर नहीं किया या आपने इसके साथ फेयर नहीं किया, ये आप देख लीजिएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट होता है। तो फिर बीच में जो है ये इंसान मतलब एक तरह से आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा है, तो आपको स्टॉक कर रहा है आपसे, उस जो उस मतलब जो आपके बीच में जो भी दूरियां आई हैं, जिस वजह से आई हैं, उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा है, वो उसके दिमाग में बार बार वो चीज़ चलती है, और फिर ये आपके ऊपर नज़र बनाता है, स्टॉक करता है, क्या देखता है कि क्या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, आप कितना प्रोग्रेस कर गए हो, या दुखी हो, या इसी का वेट कर रहे हो, मतलब कुछ भी। ठीक है, और बताएं भगवान जी, और इस इंसान के मन में क्या है जो ये मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहा है। दो कार्ड आए हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड देखिए, फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया ना, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, ये कोई जो जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, और इन बिटवीन जो ये टाइप चल रहा है प्रेजेंट टाइम, इसमें ये इंसान बिल्कुल अकेला है। ये जो भी है, देखो चाहे फैमिली हो भी, तब भी ये अपने आप को अकेला पा रहा है। हो सकता है ये वो इंसान है जिससे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, ये आपका या तो लव वन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपका कोई फैमिली में भी ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपकी कोई ना कोई आर्गुमेंट हुई है, कोई ना कोई बात हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो काफ़ी कट थ्रू है, आप जो भी इसके मुंह में आता है बोल देता है या देती है, जो भी है ये, जो भी शख्सियत है ये जो आपको स्टॉक कर रही है इन दिनों, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है ये इंसान। ठीक है, काफ़ी स्ट्रगलर रही है इसकी लाइफ जो है, स्ट्रगल से भरी हुई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, दो कार्ड आए थे ना कि इसकी कैसा हो सकता है ये इंसान। स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड आके यहाँ पे ये दिखाता है, ये कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो डेलिब्रेटली आपका बुरा नहीं चाहता है, मतलब जानबूझकर ये इंसान आपका बुरा नहीं चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन के उस पर कह लो या कैसे भी कह लो, इसकी आपसे जो है इस टाइम एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर बहुत लेस कॉन्टैक्ट है, या फिर कॉन्टैक्ट है तो भी आपने एक दूसरे को
ब्लॉक या अनब्लॉक करा हुआ, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, देखो मैं आपको सिग्निफिकेंट है ये मैसेज, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है देखो, क्योंकि पहले ही हमें मून का कार्ड है जो शायद आपसे छुपी हुई है। ये वो इंसान है जो आप लोगों के रिश्ते में एक थर्ड पार्टी का काम भी करता है, तो वो भी आपको स्टॉक कर हो सकता है कि वो भी आपको स्टॉक कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जो अकेला है, जो अकेला इन द सेंस, देखो ऐसे बिल्कुल अकेला तो कोई नहीं होता, किसी का कोई ना कोई तो होता ही है, मतलब कहने का मतलब इस प्रेजेंट टाइम में ये खुद को जो है काफ़ी अकेला पा रहा है। और बताएं भगवान जी, ओके, ये कोई मैरिड इंसान ही है। चैरियट का कार्ड, नेक्स्ट कार्ड देखो चैरियट का है। कभी कभी इस इंसान का दिल करता है कि मुझे जो है क्लैरिफिकेशन करना चाहिए, मुझे अपने इस पर्सन या इस पर्सन जो भी आपका चाहे पार्टनर है चाहे आपका कोई भी लव वन है, इस इंसान को लगता है कि आपसे मिल के जो है सही को सही गलत को गलत क्लियर करना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचता है कि नहीं मुझे हमें वक्त पे छोड़ देना चाहिए, जब टाइम आएगा तो अपने आप चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो चैरियट का कार्ड हमें ये दिखाता है कि ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहता है, मतलब आपसे आपको रीच करना चाहता है, मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, क्लियर करना चाहता है, क्योंकि जो ये डाउट्स हैं, जो ये एनर्जी है इस इंसान को अंदर ही अंदर खुद ही जो है एक तरह से काफ़ी दुख दे रही है वो चीज़, ठीक है। तभी यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड और फोर ऑफ कप्स आया है कि कहीं ना कहीं ये उस इंसान उस गलती में से उस वजह से ये इंसान जो है अपने आप पे अपने काम पे पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके। क्वीन ऑफ कॉइन्स क्यों आया भगवान जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, जो हम निकाल रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स के स्टॉकर का क्यों स्टॉक कर रहा है वो, उनको इसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया हमें क्लियर करें प्लीज यूनिवर्स, ओके। देखिए डेथ का कार्ड, ओके 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 ओके। देखिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आप रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, ये वो इंसान भी है जो आपको स्टॉक कर रहा है जिससे आप रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, और ये आपका कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, ठीक है, जो चाहे एक्स ही हो चुका है लेकिन ये आपका हस्बैंड वाइफ भी है जो आपको आप पे नज़र बनाए आपको स्टॉक कर रहा है। किसी ना किसी टाइम जो है आपका रिश्ता जो है बहुत अच्छा था, बिल्कुल क्लियर निकल के आया है, ये आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है कोई, या तो अभी अभी वो हस्बैंड वाइफ आप अभी उसी रिश्ते में हैं ये भी हो सकता है, या फिर उस रिश्ते से निकल चुके हैं तब भी ये आपको आप पे नज़र बनाए हुए है स्टॉक कर रहा है, या आपको ये देख रहा है कि आप काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है, तभी ये डेथ का कार्ड आया। आप जो है आपका जो देखो ना, अब इस कार्ड में आप ध्यान से देखें, इधर जो है स्कर्टन है, इधर देखें सुंदर सी लड़की है, इधर स्कल्टन का मुंह है, इधर सुंदर सी लड़की का मुंह है, जो हमें बताता है कि ये इंसान आपको ये चीज़ नोट कर रहा है कि आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गए, मतलब इस इंसान ने सोचा था कि इस दुख से इस कलेश से इस आप बिल्कुल टूट जाओगे, बिल्कुल मर जाओगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे, लेकिन आप तो और निखरे हुए इसको नज़र आ रहे हो, तो ये भी कारण है कि इस इंसान को कि ये आप पे नज़र बनाए हुए हैं और आपको स्टॉक कर रहा है, इसको नहीं लग रहा कि आपका उस लड़ाई का उस आर्गुमेंट का या उस जो भी आप लोगों के बीच में मतभेद हुआ है उसका आपके ऊपर कोई असर हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब सोच रहा था ये इंसान कि इसका आपके ऊपर बहुत एक बैड ट्रॉमा कह लो या बिल्कुल अफेक्ट करेगा आपकी लाइफ को, ऐसा कुछ हो जाएगा आपके साथ, लेकिन आप तो इसको बड़े मतलब आप इसको ऐसे नज़र आ रहा है कि उस चीज़ का कोई प्रभाव ही नहीं, सिक्स ऑफ कप्स, तो इसीलिए ये इंसान तभी मैंने देखो कप्स आ रहे हैं, कप्स आने का मतलब यही है कि ये वो रिश्ता है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जो किसी ना किसी टाइम जो है अच्छा था, आपके दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता था, आपको याद कर रहा है, आपका कोई बचपन का साथी भी हो सकता है, आपका बचपन का कोई साथ जिस आपने निभाया हो, आप बचपन में भाई बहन हो या फ्रेंड जोन में हो या वैसे ही कोई कॉलेज स्कूल फ्रेंड हो, ये वो इंसान भी हो सकता है जो आप पे नज़र बनाए हुए है, जो चाहता है देखता है आपको, आपको स्टॉक करता है, आपको आपको स्पाई करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। अब आप खुद इतना सब कुछ मैंने बता दिया, अब आप अंदाज़ा लगा लो, ये ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है, ये एक वेल सेटल्ड इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। चलिए बताइए और भगवान जी, ओए होए भगवान जी बताने लगते हैं तो कार्ड ही सारे गिर जाते हैं, अब आप और ज़्यादा उत्सुक हो गए ना, इसलिए सारे कार्ड सामने निकलने लग पड़े हैं। नाइन ऑफ वॉन्ट्स, देखो पहले ही अभी नाइन ऑफ वॉन्ट्स नहीं भी आया था तब भी मैंने आपको कहा था
इस इंसान को डर होता है, इस इंसान को डर है आपको खोने का, जो आपको स्पाई कर रहा है ना, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपका भाई बहन है, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो आपका लव वन है, इस इंसान को डर है आपको खोने का कहीं ना कहीं। देखो ना, ये डर का कार्ड होता है, ये सिर पकड़ के बैठा है ये इंसान, इसको लगता है अपनी वो बार बार उस चीज को पश्चाताप होता है इसको, बार बार उस चीज को सोचता है, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, देखिए इसको, इसको अंदर से पता है कि मैंने गलत किया है। कहते ना, हम अच्छा करते हैं तो भी हमारी सेल्फ हमको कहीं ना कहीं जो है रियलाइज होता है कि हमने अच्छा किया। उस पूरे एक अच्छे काम के दिन में हम पूरा दिन खुश रहते हैं। अब आप देखो, आप छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप किसी की छोटी सी मदद करके देखना। मान लो मैं कहती हूँ एक कोई डॉग है, कोई बिल्ली है, उसको आप दूध डाल के देखो, आप पूरा दिन उस खुशी में ना खुश रहोगे कि आज मैंने उसको ऐसा किया। मतलब आपका मन अंदर से बड़ा हैप्पी होगा, चाहे उसको कोई देखे चाहे ना देखे, चाहे इवन के भगवान भी ना देखे, लेकिन आपका मन अंदर से बड़ा खुश रहेगा उस अच्छे काम को करके। और वही आप किसी से लड़ाई करके देख लो, या किसी से आर्गू करके देख लो, या किसी को थप्पड़ मार के देख लो, आपको पूरा दिन अपना मन भी एक दुख ना चाहते हुए भी, चाहे आपको लगेगा कि आपने सही किया इसको, ये डिजर्व करता था साला, इसको ऐसे ही करना चाहिए था, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन आप दिल ही दिल में उस चीज के लिए पछताओगे कि मैंने ऐसे ही बात बढ़ाई, मैंने ऐसे ही लड़ाई की, मैंने ऐसे ही। तो किसी को जो चीज हम देते हैं वही हमें मिलती है, ठीक है ना। अब हम किसी, जैसे अब हम लोगों को देख के इन्वियस होते हैं कि यार उसके देख कितने सारे घर हैं, उसके उसके पास कितना पैसा है, वो देख कितना मिलियन ईयर है, मतलब उसके पास इतना पैसा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसके पीछे उसने बहुत कुछ किया है। ऐसे नहीं किसी को कुछ भी मिल जाता, ठीक है ना। कई बार कहते हैं जिस चीज़ को बांटोगे वही बढ़ेगी, ज्ञान को बांटोगे ज्ञान बढ़ेगा, पैसे को बांटोगे पैसा बढ़ेगा, खाने को बांटोगे तो खाना बढ़ेगा। आप कितना भी अपनी किचन में से बांट के देख लो, आपका घर कभी खाली नहीं होगा, आपके खाने के लिए हमेशा पड़ा ही होगा। तो शायद इसी वजह से लोग पहले लोग अपने घर में अपनी कमाई में से 10/10 हिस्सा निकालते थे ताकि घर में जो है बरकत आए, पर आज वो सारे चलन दूर हो गए हैं, तो आज क्या है, बीमारियां ये वो बहुत कुछ। हम क्योंकि हमारी कमाई चाहे हम कितनी भी कहें कि पूरी जो है एक प्योर है, लेकिन वो नहीं होता, कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा सा मस्ती मारते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूरी तरह से फेयर नहीं होता। मान लो आप काम पे जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, वहां पर आराम कर रहे हो कभी ना कभी कहीं, और टाइम चल रहा है वो आपके काम का, तो वो फेयर कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी उकताई हो जाती है, चाहे हम अपने काम को कितना भी फेयर माने, चाहे हम खुद को भी कितना भी फेयर माने। चलो अब वो लेक्चर ज्यादा हो गया, अब वापस आ जाओ। तो हमारा टॉपिक ये था कि कौन है जो आपको स्पाई कर रहा है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका लव वन है, या फिर आपका पास्ट लाइफ नहीं, बचपन का कोई साथी है, फ्रेंड है, या फिर आपका कोई पति या पत्नी है जो आपको स्पाई कर रहा है, जिससे आप चाहे रिलेशनशिप में हैं चाहे नहीं है, ये आपको नोटिस कर रहा है कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या सोचते हो, ठीक है। या फिर ये वो इंसान है जिससे आपका एक टाइम पे रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और बीच में कोई झगड़ा कोई मन मुटाव हुआ है, जिस वजह से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है आपको इंस्पायर कर रहा है, कभी अपनी गलती को सोच रहा है, कभी आपकी गलती को सोच रहा है, कभी इसको पश्चाताप हो रहा है, कभी इसको ये भी लग रहा है कि ये डिजर्व करता था, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन कई बार उसी चीज़ पे पछतावा भी होता है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग, मुझे जो चैनल हुआ टॉपिक मैंने उसी पर रीडिंग बनाई। तो ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।